आज बनाएंगे इडली। तो इडली किस चीज का बनाएंगे? तो चावल का नहीं, दाल का नहीं, आज बनाएंगे इडली मड़ुआ का आटा और रवा से। ये देखिए महीन वाला रवा है, तो दो कटोरी मड़ुआ का आटा है और एक कटोरी रवा है। और इसके लिए हम बड़ा सा कटोरा रख लिए हैं और इधर दही। तो चलिए दिखाते हैं, पहले इडली रवा को छान लेते हैं। रवा को छान लेते हैं और उसके बाद मड़ुआ का आटा डालेंगे। दो कटोरी मड़ुआ का आटा, इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि सेंधा नमक डालना है। तो चलिए हम दही डाल करके इसको तैयार करते हैं। इसको सन्ने भर दही डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा करके हम मिलाएंगे ताकि गुठली ना पड़े, और अच्छे से मिला करके हम 2 से 3 घंटा के लिए रख देंगे। तो चलिए आगे मिलते हैं। देखिए मड़ुआ और रवा अच्छे से फूल गया है। अब इसको अच्छे से हम चलाएंगे, कम से कम 5 मिनट तक इसको हम अच्छे से फेटेंगे, क्योंकि केवल रवा नहीं है, मड़ुआ का आटा और रवा दही है। तो इसको अच्छे से जब तक हम फेंट नहीं लेंगे तो ये फ्लफी नहीं बनेगा। फेटाने के बाद एकदम हल्का होने लगा है, कहे कि इसमें केवल रवा रहता तो फेटना नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें मड़ुआ है तो फेटना है। तो चलिए दिखाते हैं, इसमें हम इतना नमक डालेंगे, 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डालेंगे और 1/2 चम्मच हम खाने वाला सोडा डालेंगे एक ही साथ। अब इसको हम फिर से मिलाएंगे अच्छे से। अब इसका हम इडली बनाएंगे। इसमें हमको किसी तरह का और कोई सामग्री नहीं डालना है, बस नमक और खाने वाला सोडा, और इडली स्टैंड में हम इसको फिल करेंगे और डालेंगे। स्टैंड हम इसको चढ़ा दिए हैं, पानी को डाल दिए हैं, अभी खोलेगा तो हम इसको डालेंगे। तो जब तक हम इडली का देखिए, हम सारे में ग्रीसिंग करेंगे। मेरा मोल्ड भी बहुत ही पुराना हो गया है तो इसको हम नया लेंगे, लेकिन अभी नहीं लिए हैं। सारे मोल्ड को हम ग्रीसिंग कर लिए। अब इसमें हम बैटर को देखिए, अब इसको भी हम 10 से 12 मिनट पकाएंगे तो इसको पैक करेंगे। 12 मिनट के बाद फिर हम आपको देखिए, मड़ुआ और सूजी का इडली बन करके तैयार है, एकदम साफ सुथरा निकला हुआ है। इडली तैयार हो गया। अब इसको कुछ देरी में ठंडा जब होगा तो हम इसको निकाल करके और दिखाएंगे। मड़ुआ और रवा का इडली तैयार हो गया है, तो इसको ठंडा होने के बाद हम दिखाते हैं। चलिए देखिए इडली तैयार है। देखिए कितना सॉफ्ट सुपर इडली तैयार हो गया। कितना अच्छा इडली तैयार है। तो चलिए इसको अब इडली को फ्राई करेंगे। तो इसमें हम तेल डाल दिए हैं। इसमें डालने के लिए गोलकी पाउडर, राई
मिर्ची और लाल मिर्ची डाल दिए हैं। तो देखिए इसमें हम डालेंगे, और इधर मूंगफली को भून के रख लिया है। इसका हम चटनी बनाएंगे, इसका हम चटनी बनाएंगे। इसको ऐसे मिलाने से सटेगा नहीं इडली, और बहुत ही अच्छा से भून जाएगा। ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, अगर कम होगा तो सेंधा नमक का यूज करेंगे। ये मड़ुआ का इडली कैसा लगा आप लोग को, आप लोग एक बार जरूर बना करके बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा, और टेस्ट इसका कैसा है। हेल्थ के बेनिफिट से भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए एक बार जरूर घर में बनाएं और हमको कमेंट करें। मड़ुआ इडली तैयार है, बहुत ही फ्लफी बन करके इसको बादाम की चटनी के साथ सर्व करेंगे। ये व्रत का थाली कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।